नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत बेस्ट वैकेंसीज लेकर के आया हूँ, जो कि अभी जो रेलवे की एग्जाम का प्रिपरेशन कर करके थक चुके हैं, उन्हें एक ऑप्शन चाहिए था कि अगर ये एग्जाम आगे पीछे भी होती हो और भी काफ़ी वैकेंसीज होगी जिनका आप वेट कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपकी लास्ट ईयर में कुछ बाकी रह गई थी उन्हें आप फिलअप नहीं कर पाए थे या किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाए थे, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार कॉम्पिटिशन में आए हैं, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। आप ध्यान से देखिएगा हर एक चीज। पहले मैंने आज के इस वीडियो के अंदर टॉप जो भी एजेंसीज हैं उनको कवर किया है। टॉप एजेंसीज की जैसे मैं बात करूं कि बैंक, एसएससी और यूपीएससी, एंड सबसे बेस्ट जो मानूंगा वो है रेलवे। यहाँ पे मैं चार टॉप वैकेंसीज की बात करूंगा जो यहाँ पे इंडिया की टॉप जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज की मैं कह सकता हूँ, जो नियोक्ता कंपनीज कह सकता हूँ, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस वीडियो के बाद में अब से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आपके लिए गुड न्यूज है मेरी तरफ से। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, मैं आपको इस साल में आने वाली हर स्टेट की हर वैकेंसी को डे बाई डे आपको अपडेट करता रहूंगा। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ए पे आ रहे हैं, ठीक है, ए अल्फाबेट हो गया, बी से जैसे अलग अलग, जैसे बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे सी से चंडीगढ़ आ गया, यहाँ डी पे आपका दिल्ली हो गया, ऐसे अलग अलग, आर से राजस्थान हो गया। हर स्टेट वाइज, जैसे अल्फाबेट वाइज आपकी पूरी सीरीज चलेगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए सारी अपडेट एक ही जगह पे किसी भी स्टेट के होंगे। आपके लिए ये वीडियो डेली चलते रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हर स्टेट को मैं कवर करके चलूंगा। अब तक सिर्फ स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप मुझसे जुड़े हुए थे जो कि बाहर के थे, राजस्थान तो जैसे मैं कवर करता हूं क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, लेकिन यदि आप बाहर से भी है तो आपके लिए भी मैं पूरा काम करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपकी सेवा करना और आपकी सेवा में हाजिर ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जो 2020 की बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करता हूँ। जो सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा जो टॉप है, मैं रेलवे की वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं पर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो भी नियोक्ता हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि टॉप वैकेंसीज कब कब आएंगी, कि किस तरीके से उसमें क्या क्वालिफिकेशंस होगी, वो सारी बातें करूंगा। तो आप वीडियो का अंत तक देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप डायरेक्ट स्किप करके वहां तक पहुंचे। तो देखिए मैं यहाँ पे बेस्ट वैकेंसीज को लेके चलता हूँ। पहले मैं जिसको लेके चलता हूँ वो है हमारा एसएससी, ठीक है। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन। देखिए वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो पहली बार आए हैं, ठीक है, इस कॉम्पिटिशन की लाइन में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे बोला जाता है कर्मचारी चयन आयोग, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी चयन आयोग। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसको थोड़ा सा एक चला लेना, बाकी आपको सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट मिलेगी। देखिए दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मैं आपको बता दूं एसएससी यहाँ पे रेलवे के बाद मैं अगर मानता हूँ तो यहाँ पे इंडिया में है। एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा नियोक्ता के तौर पर यहाँ पे माना जाता है, मतलब नियुक्तियाँ करता है। तो देखिए दोस्तों एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि आपको 10th लेवल से स्टार्ट होता है, हालांकि 8th लेवल पे भी काफ़ी वैकेंसीज निकलती होंगी, लेकिन मैं एक नॉर्मल लेवल लेकर के चलता हूँ। ये बोर्ड करता क्या है? ये बोर्ड मैं यहाँ पे आपको 10th लेवल से स्टार्ट करूँगा, 10th तक चलूँगा, उसके बाद में मैं सेकेंड वैकेंसी 12th की बात करूँगा जो कि 2020 में आने वाली है। थर्ड वैकेंसी जो आपकी चलेगी ग्रेजुएशन बेस पर, ठीक है, ये जो आपकी चलेगी ये ग्रेजुएशन बेस पर चलेगी। पहले मैं इन टॉप 3rd की बात करता हूँ, इसके बाद में भी मैं बाकी सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 10th लेवल पर इसकी वैकेंसीज हैं, वो आती है एमटीएस, मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है। इसके अंदर आपको क्या मांगा जाता है? आपको 10th पास होना जरूरी होता है। अब दोस्तों इसके अंदर 10th पास के साथ साथ और कुछ आईटीआई वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता, ओनली आप 10th पास होने चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब होता है आपको 4th ग्रेड का कोई भी काम दे दिया जाता है, ऑफिस में कुछ भी किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एमटीएस में किया जाता है। और जब वैकेंसी आएगी तो इसके बारे में और भी डिटेल से बता दूंगा। यहां पे 4th ग्रेड का काम होता है। ये वैकेंसी कब आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी 17 अप्रैल 2020 को इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। मैं यहां पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, ये है आपका नोटिफिकेशन डेट और ये एंड डेट यहां पे दिख रहा होगा शायद आपको, यहां पे ध्यान दीजिए,
ये आपकी एंड डेट है, ये 17 अप्रैल को चालू होगी और ये आपकी 15 जुलाई तक इसकी ये फॉर्म चलेंगे, 15 जुलाई 2020 तक। तो देखिएगा, आपको पहले ही सारी डेट्स बता रहा हूँ, आप प्रिपेयर हो सकते हैं। एमटीएस की जो वैकेंसी आएगी 17 अप्रैल को आएगी और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, 2020 में तैयार रहेगा। जिन्होंने 10th पास अभी करेंगे और जिनकी मिनिमम एज होनी चाहिए, इसमें जो एज फैक्टर होता है वो ही 18 साल का होता है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज आपकी 18 साल होती है। देखिए मैक्सिमम एज भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 27 साल लेकर के चलते हैं एसएससी के अंदर, मैक्सिमम एज जो 10th और 12th के अंदर 27 साल होती है, लेकिन कई बार वैकेंसीज में यहाँ पे इसको एक जहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाता है, तो वो वहाँ पे वैकेंसी आएगी तब बता दूंगा, लेकिन ये अभी आप एरिया मान के चल सकते हैं 18 से 27 साल का, ठीक है। ये होने के बाद में 12th में यहाँ पे जो बाकी जो भी एसटी एससी ओबीसी की जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको एज रिलेक्शन मिलता है 5 साल का, एक सर्विसमैन को भी इसमें पूरा का पूरा कोटा मिलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं 12th की बात करता हूँ, 12th बेस पे आती है आपकी CHSL, ठीक है, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल की जो वैकेंसी आती है ये आपकी हर साल आती है एसएससी के अंदर। इस बार जो CHSL आएगी वो कब आएगी मैं आपको बता दूं, ये 20 नवंबर 2020 से इसके फॉर्म चालू होंगे और ये चलेंगे कब तक, ये 15 दिसंबर 2020 तक। मैं आपको यहाँ पे हर स्टेट की बता रहा हूँ, लेकिन स्टेट पे जाने से पहले हमें ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो एज फैक्टर होता है वही चलता है, मिनिमम 18 साल का होना जरूरी होता है। यहाँ पे जैसे आपको 27 साल भी जैसे एसटी एससी ओबीसी जनरल अलग अलग सबके अलग अलग ये जो एज फैक्टर होता है वो बता दूं, लेकिन मिनिमम सभी में 18 साल होती है। जब भी वैकेंसी आएगी आप बोलोगे सर इसमें आपने 27 कैसे बता दिया, इसमें चेंज भी तो होता है, मुझे पता है ऐसी बातें हो सकती है। यहाँ पे आपका जब वैकेंसी आती है और भी उसमें थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है, इसलिए कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। ये होने के बाद में ये CHSL होती है 12th बेस पे होती है, ये LDC की जॉब होती है, ध्यान दीजिएगा, ये LDC की जॉब होती है जिसके अंदर आपको यहाँ पे LDC और UDC मिलता है, LDC और UDC आपको प्रमोशन होकर के यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी रैंक के अनुसार आपको पोस्ट मिलती है, ये होता है आपका CHSL। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप प्रमोशन होकर के UDC से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये होने के बाद में इसके बाद में आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो CHSL में जो वैकेंसी निकाली जाती है जो कि यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं ग्रेजुएशन पे आने से पहले यहाँ पे 12th लेवल पे और भी वैकेंसीज होती है, पहले मैं उनको कवर कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे इस लेवल पे जो वैकेंसीज और आने वाली है वो वैकेंसी कौन कौन सी आएगी आपको बता दूँ, सब इंस्पेक्टर की, जिसका बहुत अच्छे से आप वेट कर रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है, CPO जिसे आप बोलते हैं, CPO की जो पोस्ट आती है SSC CPO की, ये वैकेंसी कब आएगी इस बार, यहाँ पे आपको अभी आने वाली है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे 17 अप्रैल 2020 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी 16 मई 2020 लास्ट डेट होगी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ये मत सोचना कि हमें इससे लॉस होगा, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे, लोगों तक आप ये चीज़ पहुंचाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है यहां पे, जो CPO की मैंने बताया है आपको, ये वैकेंसी कब आने वाली, ये 17 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 16 मई इसकी लास्ट डेट है। ये भी किस बेस पर होती है, ये 12th बेस पर होती है। एक और चीज़ आपको बता दूं, 12th बेस पर एक और वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी कौन सी, स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर के बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा, उसे जाकर के देख लीजिएगा। ये वैकेंसी कब आएगी, ये वैकेंसी आएगी 4 अगस्त 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 30 नौ 2020 इसकी लास्ट डेट होगी, 30 नौ 2020 इसकी लास्ट डेट होगी। ये सारी की सारी वैकेंसी 1, 2, 3 ये तीनों वैकेंसी 12th लेवल पे होगी, तो आप आराम से, और हाँ 12th लेवल वाले इसको 10th लेवल वाले को भी फिलअप कर सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है बताते जाइए, नेक्स्ट पे चलते हम। ये हमारी 12th लेवल तक की वैकेंसीज कवर हो गई यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे जो CGL लेवल की जो पोस्ट आती है यहाँ पे, अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, यहाँ पे CGL की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे होती है, इसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका ये जो वैकेंसी होती है इसके लिए आपको मिनिमम जैसे BA, BCom, BSc,
बीटेक, जो भी आपने इंजीनियरिंग की डिग्री, मतलब आपने ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री ले रखी है, वो सारी की सारी ग्रेजुएट आपको होना जरूरी होता है। ये वैकेंसी कब आएगी मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी 15/9/2020 को स्टार्ट होगी और ये 15/10/2020 इसकी लास्ट डेट होगी। इसके अंदर अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे जो यहाँ पे बड़ी पोस्ट मानी जाती है एसएससी की, वो यहाँ पे सीजीएलई मानी जाती है। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, ठीक है, यहाँ पे टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं, ये सीजीएल के थ्रू ही मिलते हैं। यहाँ पे इन सभी की जो फीस होती है, एसएससी की जितनी भी पोस्ट है उन सभी की जो यहाँ पे फीस होती है, वो फीस आपकी 100 रुपीज़ होती है। ध्यान रखिएगा, इन सभी की फीस होती है वो 100 रुपीज़ होती है। मिनिमम इसमें भी एज आपकी 18 होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो एज फैक्टर होता है वो पोस्ट के हिसाब से होता है। इसमें पोस्ट के हिसाब से, जैसे जनरल की मैं मान के चलता हूँ, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 30 से भी 32 साल तक भी चलती है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये वैकेंसी आएगी वैसे वैसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये है आपकी एसएससी की बेस्ट वैकेंसीज। एसएससी के बाद में हम दूसरे डिपार्टमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनकी डेट मैंने बता दी, इसे आप नोट करते जाइएगा। जैसे जैसे आपको अच्छा लग रहा है इसको शेयर करना मत भूलिएगा और यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो मेरी तरफ से जो प्रयास चालू किया गया आपके लिए, क्या आपके लिए सराहनीय होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद में मैं जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो डिपार्टमेंट होगा बैंक, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है, यहाँ पे मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि बैंकिंग का पीरियड होता है, बैंकिंग का पीरियड अभी जून से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे जून 2020 से ये पीरियड स्टार्ट होगा और ये दिसंबर 2020 तक ये पीरियड चलेगा। ये कैसा डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसकी वैकेंसीज हैं वो हर साल, मतलब 6 मंथ तक इसी का टाइम पीरियड चलता है। अब ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आराम से निकलती है हर साल। अगर आप पहली बार भी इस लाइन में आए हैं तो आपको बता दूँ, इसके लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। जो एज फैक्टर होता है, किसी भी आप अगर क्लर्क लेवल भी देते हो, मिनिमम एज आपकी 21 साल का आपको होना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप क्लर्क देते हो तो आपको 21 से 27 साल तक, अगर आप पीओ लेवल तक की देते हो तो आप 21 से 30 साल तक, ये आपकी जनरल की एज होती है, जनरल कैटेगरी की एज होती है। इसके बाद अगर आप एसटी एससी ओबीसी के हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका जो एज में जो छूट मिलती है वो आपको दे दी जाती है। यहाँ पे अभी जो है जून से, ध्यान दीजिएगा, अभी जून में इसकी वैकेंसी आएगी। जून में किसकी वैकेंसी आएगी, यहाँ पे आपका आईबीपीएस, आरआरबी, मतलब यहाँ पे जो रूरल बैंक्स होते हैं उनकी वैकेंसी आपकी असिस्टेंट की भी आएगी, ठीक है, असिस्टेंट की भी होगी, मतलब क्लर्क की भी वैकेंसी होगी यहाँ पे, और इसके साथ आपकी पीओ की भी वैकेंसी होगी। यहाँ पे आपको दोनों के दोनों वैकेंसी जाएगी जो कि जून में चालू होगी, जिसके एग्ज़ाम जो है, इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही निर्धारित होती है। यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम होगी अगस्त में 7 या 8 अगस्त से इसकी प्री एग्ज़ाम होगी, मतलब ये सितंबर अक्टूबर तक इसका प्री और मेन कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे ये कम्प्लीट होगा, इसके अंदर आपका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है आरआरबी एग्ज़ाम्स के अंदर, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आरआरबी एग्जाम में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हिंदी। मैं आपको यहाँ पे सबके सिलेबस के बारे में भी बात करूँगा, इसमें सिलेबस क्या आएगा, इसके लिए आपको अलग अलग, देखिए सभी जितने भी एसएससी के बारे में मैंने बात की और बैंक की भी मैंने बात की इसके अंदर, लेकिन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस होगा आपका रीजनिंग मैथ, ठीक है, रीजनिंग मैथ और जीके, ये सबके अंदर यहाँ पे चलेगा। लेकिन जीके की मैं अगर बात करूँगा ना, तो जीके यहाँ पे बैंकिंग में आपका करंट का आता है और उसमें पुराना ओल्ड जीके भी आता है, लेकिन इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग और मैथ। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने इस चैनल पे भी रीजनिंग की पूरी क्लासेज ऑनलाइन जो है वो जीरो से हीरो का सीरीज चलता है, आप चाहें तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आरआरबी का ख़त्म होने के बाद में, इसके जस्ट बाद में सेप्टेम्बर अक्टूबर में, मैं आपको बता दूँ सेप्टेम्बर अक्टूबर के अंदर यहाँ पर इसका मेन आईबीपीएस स्टार्ट हो जाता है, मेन आईबीपीएस की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये भी वैकेंसी वही आती है, क्लर्क की भी आएगी वैकेंसी और यहाँ पे पीओ की वैकेंसी भी आएगी, इसमें भी वही ग्रेजुएशन मांगी जाती है, यही एज फैक्टर मांगा जाता है, बस इसमें हिंदी की जगह क्या आता है, इंग्लिश आता है, मतलब आपका रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद मैथ, इंग्लिश
और ये तो आपका प्री के अंदर होता है, मेंस के अंदर आपका एक जो करंट अफेयर्स है वो रेड हो जाता है, और इसके साथ में आपको कंप्यूटर भी इसमें आता है। जब ये वैकेंसी आएगी इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन ये वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे कब आएगी, ये सितंबर टू अक्टूबर के अंदर ये वैकेंसीज आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका भी पूरा का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अब जो सबसे बेस्ट वैकेंसी जिसका आप वेट कर रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर रेलवे की। दोस्तों रेलवे की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ कि रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आपने अभी फॉर्म भी भर रखे होंगे। यहाँ पे मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, रेलवे में आपकी सबसे बेस्ट अभी वैकेंसी आने वाली है वो है आरपीएफ की। आरपीएफ की 9000 पोस्ट आने वाली है। 9000 पोस्ट में आपको मैं बता दूँ कि ये वैकेंसी कभी भी रिलीज हो सकती है 2020 के अंदर। इसके अंदर 50% जो रिजर्वेशन होगा, 50% जो रिजर्वेशन होगा वो फीमेल के लिए होगा। फीमेल कैटेगरी की जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 50% रिजर्वेशन होगा। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसके अंदर भी आपका वो ही रीजनिंग, मैथ और आपका जीके होगा। यहाँ पे ये आपका मेन काम करेगा, इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर। मैं फिर से बता दूँ, आप रीजनिंग की क्लासेस पूरी की पूरी मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद में आपका यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी की, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी भी 90,000 वैकेंसी और आने के, ये पूरे के पूरे जून के बाद में आने के कभी भी ये चांसेस बन सकते हैं। लेकिन पिछली वैकेंसीज को पूरा करवाने की वजह से ये वैकेंसी अभी तक अटकी हुई है, नहीं तो अभी भी आ जाती। तो ये दोनों के दोनों वैकेंसीज, एनटीपीसी और ग्रुप डी भी 90,000 और ये 9,000 वैकेंसी भी रेलवे में इसी साल आएगी। अगर पिछली बार आप रेलवे का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होगा। आप इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कीजिए। जैसे जैसे ये जो भी हैं ये वैकेंसी आती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आपको उस स्टेट वाइज सारी की सारी वैकेंसीज मैं बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जितने भी पार्ट मैंने कवर किया है वो आपको कैसा लगा मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और मुझसे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7733943243 पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।